जीवों की विराधना फैलाई करुणा, हो चिंतामणि रत्न तो करो आत्मा आराधना और बन जाओ मोक्ष महल के परमात्मा। इस जिनवाणी सच्चा के लिए मैंने आदि पुराण का चयन किया है। आचार्य जिनसेन द्वारा यह लिखा गया 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। आदि पुराण के 10,380 श्लोक आचार्य जिनसेन द्वारा प्रणीत है तथा 1,620 श्लोक गुणभद्र आचार्य ने लिखे हैं। आदि पुराण प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा भरत बाहुबली के पुण्य चरित्र के साथ साथ भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के मूल स्तोत्र एवं विकास क्रम को अवलोकन कराने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। विषय प्रतिपादन के दृष्टि से यह धर्मशास्त्र, राजनीति एवं आचार शास्त्र भी माना गया है। मानव सभ्यता की आद्य व्यवस्था का प्रतिपादन करने से इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। ग्रंथ के संपादक डॉक्टर पन्नालाल जैन साहित्य आचार्य हैं। आदि पुराण के अध्ययन से हमें मूल सिद्धांतों का अवलोकन होता है। इसमें महाबल से ऋषभनाथ तक के 10 भवों का वर्णन है। आषाढ़ कृष्ण द्वितीया के दिन भगवान आदिनाथ का सर्वार्थ सिद्धि तजकर अयोध्या नगरी में मरुदेवी के गर्भ में अवतरण हुआ। चैत्र कृष्ण नवमी को नाभिराय मरुदेवी के ग्रह अयोध्या नगरी में जन्म हुआ। यशस्वती सुनंदा से विवाह हुआ। यशस्वती से भरत, ऋषभसेन आदि 99 पुत्र तथा ब्राह्मी का जन्म हुआ। सुनंदा से बाहुबली और सुंदरी का जन्म हुआ। भगवान द्वारा ब्राह्मी सुंदरी को अंक और लिपि विद्या सिखाई गई। आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा के दिन असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प आदि षटकर्मों सिखाए गए। इस तरह 83 लाख पूर्व आयु बीतने पर चैत्र कृष्ण नवमी जन्म कल्याणक के दिन ही नीलांजना की मृत्यु देख भगवान को वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। एक वर्ष पश्चात हस्तिनापुर में श्रेयांश राजा के यहाँ इक्षुरस का पारणा हुआ। 1,000 वर्ष तप करने के बाद फागुन कृष्ण एकादशी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1,00,000 पूर्व तक भरत क्षेत्र में विहार कर अष्टापद कैलाश शिखर से माघ कृष्ण चतुर्दशी के दिन भगवान का निर्वाण हुआ। इस तरह आदि पुराण के अध्ययन में एवं सज्जा में मेरे द्वारा यदि मन वचन काय की चंचलता से कोई विराधना हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।